नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो बात होगी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि कमेंट आपके बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। कमेंट ये है कि आप सभी ने वीडियोस देखी होंगी, हर जगह वीडियो आ रही हैं। एक डाउट था आपका कि जो हमारा सीयूसेट पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, इसमें क्या हमको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये डाउट काफ़ी मतलब सही डाउट है और होना भी चाहिए, क्योंकि सीयूसेट यूजी की बात करें तो सीयूसेट यूजी में जो है नॉमिनेशन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा नॉमिनेशन हुआ है। और नॉमिनेशन देखिए होता कैसे है, पहले तो आपको ये जानना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आखिर कैसे होता है, कैसे किया जाता है और किन के लिए किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है, वो आपको समझना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये नॉमिनेशन होता है, ये तब होता है जब एक ही पेपर कई पारियों में पेपर होता है। कई पारियों का मतलब है कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, और तीनों शिफ्ट का पेपर जो है अलग अलग आता है। किसी का टफ होता है, किसी का हार्ड होता है, किसी का मीडियम होता है। उन सभी को मैनेज करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है उस शिफ्ट के, जैसे पहली शिफ्ट हुई, पहली शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट जो है अपेयर हुए, 1000 कैंडिडेट में सबसे बेस्ट स्कोर क्या रहा वो देखा जाता है और एवरेज स्कोर क्या रहा वो देखा जाता है। उन दोनों का जो है उनके अकॉर्डिंग जो उनका फॉर्मूला रहता है वो लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स दिए जाते हैं। किसी के नॉमिनेशन के अंदर 10 मार्क्स गेन हो जाते हैं, किसी के नॉमिनेशन के अंदर 4-5 मार्क्स नीचे हो जाते हैं। वो नॉर्मलाइजेशन के ही कारण आपके जो है मार्क्स घटते और बढ़ते हैं। वो क्यों घटते हैं बढ़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया, सबसे बेस्ट स्कोर लिया जाता है, एवरेज स्कोर लिया जाता है उस शिफ्ट का। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई, जैसे कि आपकी शिफ्ट ने आपका फर्स्ट शिफ्ट दिया, आपकी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आए और आपका एवरेज स्कोर जो है 100 में से 60 ही गया, 60 ही आपका एवरेज स्कोर गया, और बेस्ट स्कोर ज़्यादा 65 गया, तो उसके और ये देखा है कि सबसे बेस्ट स्कोर 65 रहा। जैसे ही सेकंड शिफ्ट हुए, वहाँ पर जो बेस्ट स्कोर रहा वो रहा 80 का, और नॉर्मल जो स्कोर रहा, नॉर्मल स्कोर देखा जाए एवरेज 70 रहा। तो वहाँ पर आपको जो है नॉमिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा मिल जाएंगे, और उनके जो हैं वहाँ पर कम हो जाएंगे, समझ गए, क्योंकि वहाँ पर जो बेस्ट स्कोर है वो 80 रह रहा है, समझ गए, और नॉर्मल बच्चे का 70 आ रहा है तो काफ़ी मतलब कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मार्क्स मिलेंगे और उनके वहाँ पे घट जाएंगे या कम हो जाएंगे, समझ गए। ये है नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया, और ये एसएससी में भी फॉलो होता है, रेलवे में भी फॉलो होता है, और भी जो डिफरेंट एग्ज़ाम है कंप्यूटर एग्ज़ाम के, उनमें भी ये जो है फॉर्मूला यूज़ होता है। इसमें यही फॉर्मूला होता है कि सबसे बेस्ट स्कोर लिया जाता है और एवरेज स्कोर लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स घटाए बढ़ाए जाते हैं। अब ये डाउट को क्लियर करना है कि पीजी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कमेंट आए हैं काफ़ी बच्चों के और उसको क्लियर भी करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीजी के अंदर जो कोर्सेज़ हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री। इनका आप मुझे ये बताइए कि इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या डिफरेंट शिफ्ट में चला है कि अलग अलग दिनों में चला है? तो आप कहेंगे नहीं, ना तो डिफरेंट शिफ्ट में चला था, ना ही डिफरेंट डे में चला था, एक ही दिन एक ही शिफ्ट में सभी का बच्चों का एग्ज़ाम हो गया। तो उससे पहले अभी आपको मैंने क्या बताया, अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा बच्चे अपेयर होंगे, ज़्यादा दिन पेपर चलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो लगाया जाएगा। पर यहाँ तो आपका एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, सबके लिए पेपर सेम आया है, पेपर एक ही बना है, सभी बच्चे एक ही पेपर दिए हैं, तो आपको कैसे नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा? पीजी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए। तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन तब मिलता है जैसे एक ही पेपर आपका कई शिफ्ट में होता है, तब आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। वैसे नॉर्मलाइजेशन जो है हर किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। बात करें यूजी के अंदर, यूजी के अंदर डेफिनेटली जो नॉमिनेशन मिलेगा, क्यों मिलेगा नॉमिनेशन वहाँ पे, इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो है कितने दिनों तक एग्ज़ाम चले, कितने शिफ्टों में एग्ज़ाम चले, तो वहाँ पर जो है किसी का हार्ड पेपर आया होगा, किसी का इजी आया होगा, तो उस शिफ्ट के उस बच्चे को मतलब बराबर करने के लिए नॉमिनेशन लगाया जाता है। उनका जो क्राइटेरिया वो आपको मैंने बता दिया, सबसे बेस्ट स्कोर, सबसे एवरेज स्कोर, उन दोनों का फॉर्मूला में लगा लगू के आपका जो है मार्क्स घटा बढ़ा दिए जाते हैं, समझ गए ना। तो ये एक मतलब बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, ये मैं आपको मतलब आप अभी भी जान सकते हैं या कंप्यूटर एग्ज़ाम में आएंगे तब भी आप जान जाएंगे, या कोई बच्चे लगे पड़े होंगे तो उनको ही पता होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे किया जाता है, कैसे आयोग करता है, कैसे आपको समझना है। और अगर आप सोचें कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, एक ही दिन हुआ और आपको नॉमिनेशन मिल जाए, क्यों मिलेगा? नॉमिनेशन तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि एक ही पेपर हुआ है सबके लिए, जब बराबर पेपर आया तो क्या हार्ड, क्या इजी, क्या मॉडरेट, सबके सेम है। तो पीजी के अंदर ऐसा कोई नॉमिनेशन नहीं है, और अगर आपको कोई बोलता है कि पीजी में भी नॉमिनेशन मिलेगा तो वो एकदम झूठ बोलता है, क्योंकि आपको खुद समझना है। ये मैंने आपको बता दिया, क्या मैंने फैक्ट बताया, क्या मैंने आपको चीज़ें बताएं कि कैसे कैसे नॉमिनेशन होता है, वो मैंने आपको बता दिया है।
यूजी के अंदर प्रॉपर नॉमिनेशन होगा और होना चाहिए, क्योंकि उसमें डिफरेंट डे में हुए थे, डिफरेंट शिफ्ट में हुए थे, और हर बच्चे का पेपर एक जैसा नहीं आया।